क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी आती है और लास्ट डेट कब खत्म हो जाए आपको पता नहीं चल पाता? तो आज मैं आपके लिए एक शानदार खबर लेके आई हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसी आती तो है पर आप तक पहुंच नहीं पाती। ऐसे में बिहार तक आपके लिए रोज सुबह 7 बजे लाता है रोजगार से जुड़ी जानकारी। हम आपको बताएंगे कि कब, कहाँ और किस समय सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। बिहार तक आप देख रहे हैं बिल्कुल नए रूप, नए अंदाज में। तो कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको बिहार तक का ये नया लुक। तो नौकरी की खबर में आज है नौकरी सीमा सुरक्षा बल में। इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे पदों का विवरण से लेके कब और कहाँ करना है अप्लाई। तो आगे की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले आप सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि आवेदन करने से पहले इससे संबंधित सभी जानकारी इकट्ठा कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। बता दें कि सीमा सुरक्षा बल में कई पदों पर आवेदन निकले हैं। BSF में ग्रुप सी के पद पे ASI, HC और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो वैकेंसी जो है वो 72 पद की निकली है, जिसमें कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक 28 पद, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर 24 पद, कांस्टेबल लाइनमैन 11 पद, HC बढ़ी 4 पद, HC प्लम्बर 2 पद, कांस्टेबल सीवरमैन 2 पद, ASI DM ग्रेड 3 1 पद। अब बात करते हैं कि आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तारीख क्या है। तो उम्मीदवार 29 दिसंबर तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर आवेदन शुल्क कितना है। तो इस फॉर्म को भरते वक्त उम्मीदवार को ₹100 का भुगतान करना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 10वीं पास के साथ ITI से ड्राफ्टमैनशिप में डिप्लोमा की डिग्री वाले उम्मीदवार इस पूरे पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। तो कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए ये है ₹69,100 से ₹21,700 तक, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए ये है ₹69,100 से ₹21,700, कांस्टेबल लाइनमैन के लिए है ₹69,100 से ₹21,700, HC बढ़ी के लिए है ये ₹81,100 से लेके ₹25,500, HC प्लम्बर के लिए है ₹81,100 से लेके ₹25,500, कांस्टेबल सीवरमैन के लिए है ये ₹69,100 से लेके ₹21,700, ASI DM ग्रेड 3 के लिए है ₹92,300 से लेके ₹29,200। चलिए अब बात करते हैं कि उम्मीदवारों की आखिर चयन प्रक्रिया क्या है, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो बता दें कि उम्मीदवारों की सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के प्रश्न होंगे और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के सवाल होंगे। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर चयन होगा। बता दें कि जनरल EWS और OBC के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा, वहीं SC और ST के उम्मीदवार के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। अब बात आती है कि आखिर आयु सीमा कितनी होगी। तो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए ये है 18 से 25 साल। आयु में छूट सरकारी निर्देशानुसार मिलेगी। बता दें कि इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं BSF की आधिकारिक वेबसाइट पे। उम्मीदवारों की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है rect.bsf.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। हम रोज सुबह 7 बजे लाते हैं रोजगार से जुड़ी जानकारी। नौकरी से जुड़ी खबरों के लिए और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।